Hello everyone, my name is Dr. Rupinder Syal and welcome again to Spartan Tutorials. So, आज हम continue करने जा रहे हैं अपना unit 1 CSIR का biochemistry. So, last unit में हमने lipids को cover किया था, उससे पहले carbohydrates को cover किया था, तो अगर आपने वो lectures नहीं देखे हैं, so I would recommend कि आप playlist में देखिए उसको, please watch them because it will help your understanding in the next coming topics. लेकिन आज का जो topic है वो independent है पुराने topic से. So we are going to talk about amino acids, peptides and proteins. Okay, so very very important topic because amino acids and proteins, they play a hugely important role. They are basically working almost in all the biological processes. कहीं पे भी आप किसी भी biological process में जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ पे proteins involved हैं. चाहे वो enzymes हैं, चाहे वो receptor proteins हैं, चाहे वो एंटीबॉडीज हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स हैं. तो प्रोटीन्स आर एवरीवेयर. प्रोटीन्स आर बेसिकली द वर्कर्स ऑफ द सेल. कोई भी काम सेल में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है विदाउट प्रोटीन्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स इन टूडेज लेक्चर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज आई सेड, if you look at any stage of your life or any stage of an animal or an organism's life, right from the beginning, you know, in the for example when a child is born, its growth for example is dependent on growth hormone and a lot of other protein hormones, for example, right? A massive amount of growth as well as brain development occurs. Similarly, hormones like oxytocin is involved in bonding between mother and child as shown here. And then for example when we grow up in our for example working years, to hamare jo brain mein concentration ka jo kaam hai, for example office work hai, usme jo aapka koi bhi memorization hai, aap chahe pad rahe hain, chahe koi kaam kar rahe hain, software mein kaam kar rahe hain, programming kar rahe hain, kahin pe bhi aap kaam kar rahe hain jahan pe aapko dimag lagane ki zarurat hai, wahan pe there is a intense protein activity going on. न्यूरोनल एक्टिविटी तो है ही, लेकिन प्रोटीन्स आर वेरी वेरी मच इन्वॉल्व्ड ओवर देयर, राइट? देन कमिंग टू अदर एरियाज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल ईटिंग, राइट? प्रोटीन्स प्ले ह्यूजली इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर बिकॉज ऑल ऑफ द एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड दैट वी टेक इन. तो जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, तो फॉर एग्जाम्पल हम काफी कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्च खाते हैं या प्रोटीन्स खाते हैं या फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं. सो दे कंटेन ए ह्यूज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स. तो जो एंजाइम्स हैं वो उनको स्मॉल पीसीज में ब्रेक करते हैं और उसको फिर यूज करते हैं थ्रू वेरियस पाथवेज टू मेक अवर बायोमोलिक्यूल्स, टू मेक अवर स्किन, अवर ब्लड, अवर टिश्यूज, राइट? सो दैट इज अ ह्यूजली कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो सारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में दे आर ऑल प्रोटीन्स. सिमिलरली व्हेन वी फॉर एग्जांपल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, तो रनिंग में फॉर एग्जांपल देयर इज ह्यूजली यू नो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व, एक्टिन, मायोसिन, राइट? दीज फॉर्म द फिलामेंट्स. इवन इनसाइड द सेल जो सेलुलर ट्रैफिकिंग होती है वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन से होती है, उसमें भी एक्टिन, मायोसिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे इन्वॉल्व हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज द सेम काइंड ऑफ मॉलिकुलर मैकेनिज्म्स, एंजाइम्स हैं, एक्टिन, मायोसिन या अदर प्रोटीन्स हैं, वो बहुत कंजर्व्ड हैं. कंजर्व्ड का मतलब ये है कि वो जो हमारे ह्यूमंस में है, वेरी वेरी सिमिलर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. तो जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया हैं, जैसे यहाँ पे बर्ड्स शो किए हुए हैं, ये हॉक है फॉर एग्जांपल, या रैबिट है, इनमें भी जो फिजियोलॉजी है वो वेरी वेरी कंजर्व, वेरी वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है. इसीलिए जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पे रिसर्च की या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च की, तो उन्होंने डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं काम किया, उन्होंने बेसिकली अदर ऑर्गेनिजम्स पे काम किया, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है. तो आप किसी भी एंजाइम को ले लीजिए, चाहे फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन है या पेप्सिन है जो हमारे फॉर एग्जांपल पेट में होता है, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू
पेप्सिन फाउंड इन कैट्स और डॉग्स और अदर मैमल्स, राइट? सो वेरी वेरी सिमिलर. तो हम अगर उनको स्टडी करें तो हम काफी कुछ ह्यूमन प्रोटीन्स के बारे में पता कर सकते हैं. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन. And then finally, you know, in the old age also, you know, old age and death, unfortunately, as well as disease associated with old age, for example, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, dementia, they are all related to dysregulation or misregulation of proteins. For example, jo aging ke karan skin jo hamari wrinkled ho jati hai, misregulation of protein function. Pehle main ye likh deta hu yahan pe. Okay. So, जो हमारी एजिंग होती है उसमें जो स्किन रिंकल्ड हो जाती है दैट इज ड्यू टू कॉलेजन, राइट? कॉलेजन में बेसिकली केमिकल चेंजेस आ जाते हैं. हमारी बॉडी के 25% प्रोटीन जो है वो कॉलेजन ही है. सो मोस्टली अवर स्किन इज बेसिकली कॉलेजन, 25% ऑफ इट. तो उसमें जो चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से जो स्किन है वो रिंकली हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, उसकी जो सॉफ्ट नेचर है वो चली जाती है, एंड दैट इज ड्यू टू changes in that protein. Similarly, cancer mein there are a lot of genes which are also proteins, which code for proteins. For example, P53 hai, right? It is a tumor suppressor protein. Toh isme agar mutation aa jaye toh tumor ho jata hai. Similarly, BRCA1 and BRCA2, these are involved in breast cancer, for example. Isme mutations ho, so there is a high chance that the woman will get breast cancer, and that's why famous Hollywood star Angelina Jolie, right? Because she inherits this dangerous mutations in her family, so she underwent mastectomy, so removal of breast tissue, because she knows that there is a very 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 high chance, almost certain, that she will get breast cancer. Okay, so proteins ko samajhna और उनके फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम डिजीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, अगर हम बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं, अगर हम इन जनरल एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं, तो प्रोटीन्स को समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ काइंड ऑफ स्नैपशॉट कि प्रोटीन्स कैसे कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. यहाँ पे हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं. Just to show you the varieties of proteins here. For example, insulin, which is very important for glucose control. So, हमारी body में जो blood glucose है, उसको control करने के लिए, जब हम कुछ खाते हैं, तो blood glucose का level काफी high हो जाता है. और फिर insulin जो है, वो secrete करती है pancreas. और उससे जो glucose है, वो cells के अंदर चली जाती है. And that's how it gets metabolized. तो metabolism हो जाता है उसका. Then we digest glucose by glycolysis and other pathways. तो insulin, it is a पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन का बना हुआ है. सिमिलरली पेप्सिन जो हमारे स्टमक में होता है, इट इज एक्टिव एट अ वेरी लो पीएच, एसिडिक पीएच पे काम करता है. इट एक्ट्स टू डिग्रेड प्रोटीन्स दैट वी ईट इन अवर डाइट. तो डाइट में जो हम प्रोटीन खाते हैं उनको डिग्रेड करके उसके अमीनो एसिड या छोटे छोटे अमीनो एसिड के चंक्स जो हैं वो बनाने में हेल्प करता है ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें. देन वी हैव एक्वापोरिन. दिस इज वॉटर चैनल. This is present in almost all cells. और ये water की intake जो है cell में उसको regulate करता है. Okay. And then we have some important clinically important proteins. For example, cyclooxygenase. This is a protein which is involved in production of inflammatory compounds. Inflammation जो है हमारी बॉडी में या पेन का जो सिग्नल है वो साइक्लोऑक्सीजनेज बेसिकली प्रोड्यूस करता है. तो हम अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप एकदम से आपकी चीज आप कोई चीज आपको हिट कर जाए, जैसे आप कील ठोक रहे हैं तो कील पे लगने की बजाय हथौड़ी जो है वो हाथ पे लग जाए, तो इमीडिएटली देयर इज अ शूटिंग पेन फ्रॉम द फिंगर, राइट? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिंस एज वेल एज अदर इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जो साइक्लोऑक्सीजनेज प्रोड्यूस करता है. अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, जो कई जो ड्रग्स हैं वो ब्लॉक करती हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जो है वो उसको ब्लॉक करती है साइक्लोऑक्सीजनेज को. सिमिलरली आइबुप्रोफेन भी है, सो इट कैन एक्ट एज ए वेरी नाइस पेन किलर. सो यू कैन सी हाउ
knowledge of protein biochemistry can lead us to develop better drugs, better painkillers, better medicines. और proteins जो है वो हमारे लिए harmful भी बहुत हैं, जैसे diphtheria toxin is a protein, pertussis जो whooping cough जिसको कहते हैं, आजकल तो it is very rare because we get this DPT vaccine, diphtheria, pertussis and tetanus vaccine to our kids, we give them to our kids so that they can get immunity against those. And we also have protection mechanism made by proteins. For example, toll-like receptors जो हैं, वो हमारी innate immunity जो है, जो हर वक्त present रहती है, एकदम सावधान रहती है कि कोई bacteria या virus, for example, ना आ पाएं. और toll-like receptors they are also proteins. Similarly, antibodies, right? So immunoglobulins they are basically proteins. Right. So you can see proteins are pretty much everywhere in a biological cell. And finally, our major jo processes hain, for example, DNA replication, transcription, translation, इसमें भी protein machineries are involved. So जैसे RNA polymerase, आपने सुना होगा इसका नाम. So RNA polymerase, this is from a virus, but similar structures are found in prokaryotes as well as eukaryotes. तो यहाँ पे basically it is involved in making mRNA. Okay, similarly we have bacterial 70S ribosome, for example, which is involved in producing all the proteins in our body. Okay, so you can see that there is a huge diversity of protein structures or kafi processes hain jahan pe proteins involved hain. Okay, so proteins hain kya basically? What are proteins? Proteins, agar aap samajhte ho, agar aap bilkul simple bhasha mein samajhna chahte ho, that is, it is basically a polymer. पॉलीमर का मतलब, पॉली मीन्स मैनी, तो कई, एंड मर मीन्स बेसिकली स्मॉल यूनिट और पार्ट. सो इट इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स. सो आप इसको एक माला की तरह समझ सकते हैं इन जनरल टर्म्स, जिसमें जो मनके हैं बेसिकली, उसके बीड्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स. तो ये जो यहां पे लिखे हुए हैं, आर्ज, आईली, व्हाटएवर, ये जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं. इन नेचर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. एक्चुअली जो अगर आप केमिस्ट्री स्टडी करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करें, यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. लेकिन जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मोस्टली, फॉर द मोस्ट पार्ट, 20 अमीनो एसिड्स आर यूनिवर्सली फाउंड. सो 20 अमीनो एसिड्स जो हैं, ये आप इसको एक अल्फाबेट की तरह समझ सकते हैं. जैसे हमारे पास सिर्फ 26 कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए बी सी डी से लेके जेड तक, और उससे यू कैन राइट शेक्सपियर, यू कैन राइट रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री, यू कैन राइट फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यू कैन राइट गेम ऑफ थ्रोन्स, यू कैन राइट चेतन भगत नॉवेल्स, एनीवेज, राइट, सो एंडलेस वैरायटी जस्ट ऑन दोज 20 अमीनो एसिड, 26 इंग्लिश अल्फाबेट. So in the same way, there is a huge variety of proteins that we can make with just these 20 amino acids. So agar aap compare karke dekhen, for example, agar ek sirf ek amino acid hai, agar humne lagana hai, to uske 20 different versions ho sakte hain, depending upon which amino acid you take. Agar do hai, to uske 20 raised to power 2, 400 different combinations ho sakte hain. Agar 3 amino acids humne lagane hain, so 20 raised to power 3, which is 8000. 20 raised to power 4, agar 4 amino acid ka ek protein banana hai humne, and that is 160000. to so, ye sirf 4 amino acid ka hai. aap imagine kariye jo normal proteins hain wo 400 500 even zyada amino acid ke bane hote hain. so you can see how much variety there can be in terms of protein structures, right? जो छोटे से छोटे प्रोटीन है वो भी 8-10 अमीनो एसिड के तो होते ही हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन है वगैरह, वो 8-9 अमीनो एसिड्स के हैं, right? So there is a huge amount of variety that can be produced by just this tiny set of amino acids that we have. Okay? अब ये 20 अमीनो एसिड्स ही क्यों है, 20 की जगह 50 क्यों नहीं है, 20 की जगह 10 क्यों नहीं है, we don't know. Evolution में ये सिलेक्ट हुए हैं और ये
काफी अर्ली इन एवोल्यूशन सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ है कि जो अर्लीएस्ट एवोल्यूशन है उसमें ये 20 अमीनो एसिड सिलेक्ट हो गए और फिर ये आपस में बेसिकली सभी ऑर्गेनिजम्स में जो बाकी स्पीसीज इवॉल्व हुई लेटर ऑन उनमें वही अमीनो एसिड्स रहे। ओके, सो दैट्स द पजल। वी मे नेवर नो व्हाई दीज 20 अमीनो एसिड्स वर सिलेक्टेड, बट दैट्स द फैक्ट। ओके, तो अगर हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, सो यूजुअली अमीनो एसिड्स को हम अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो वी कॉल देम अल्फा अमीनो एसिड्स। ओके, अल्फा अमीनो एसिड्स में हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो COO माइनस है, अगर आप काहन प्रीगोल्ड इनगोल्ड सिस्टम जो है प्रीलॉग इनगोल्ड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कार्बोक्सिलिक जो कार्बन है वो है एटम नंबर 1 और ये जो बीच में सेंट्रल कार्बन है अमीनो एसिड की उसको सी अल्फा कहते हैं, अल्फा कार्बन, इसीलिए इनका नाम अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एंड एसिड। तो एसिड क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एक तरफ राइट, सो देयर इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप और यहां पे एक अमीनो ग्रुप है। यहां पे एक आर ग्रुप है जो वेरी करता है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड और यही बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स को और एक पक्का हाइड्रोजन है यहां पे। तो आप ये भी देख सकते हैं यहां पे, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा याद करें कि ये कार्बन जो है इसमें चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों साइड्स पे, चारों साइड्स पे, सो इट इज अ कायरल कार्बन और जिसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इनमें खास बात यह होती है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको ये शिफ्ट कर देते हैं चाहे लेफ्ट की तरफ चाहे राइट की तरफ। ओके, सो दैट इज द प्रॉपर्टी दैट दे हैव, सो ऑल अमीनो एसिड्स दे शेयर दिस प्रॉपर्टी। ओके, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप है वो एच है, तो ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया, तो ये कायरल कार्बन नहीं रहा, सो ग्लाइसिन इज एन ए कायरल अमीनो एसिड। राइट, सो अमीनो एसिड्स को हम दो तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, सो वी नीड टू डिफाइन देयर स्टीरियो केमिस्ट्री इन देयर थ्री डायमेंशनल स्पेस। सो हम ग्लिसरल्डिहाइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रेफरेंस मान के इनमें देखते हैं कि किसके साथ ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओके, सो ये जो डार्क ब्लैक स्टिक है बेसिकली, इसका मतलब है कि वो ये जो एच है वो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये जो डैश्ड स्टिक है ये CH2OH ग्रुप है, ये बेसिकली पीछे की तरफ जा रहा है, इट्स गोइंग बैक। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं CCHO और OH ये एक बेसिकली यहां पे है और CH2OH बैक पे जा रहा है राइट, और H मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर आप आपकी तरफ देखें तो H आपकी तरफ आ रहा है, CH2OH पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, इन टर्म्स ऑफ L ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, D ग्लिसरल्डिहाइड में उल्टा है। ओके, सो इन दैट सर्कमस्टेंस उसमें क्या हो रहा है, यहां पे बेसिकली H और CH2OH का उल्टा है, बेसिकली इट्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। So it's mirror image of each other. So it's basically the opposite. Okay. But these are non-superimposable. तो अगर इनको compare करें तो NH3 plus जहां पे left side में है वो L amino acid होता है और जहां पे right side में होता है वहां पे उसको हम D amino acid कहते हैं। Naturally occurring जो amino acids हैं वो सारे L amino acids हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो L amino acid है और L ग्लिसरल्डिहाइड है, इसका सिर्फ ये लिंक है कि ये L ग्लिसरल्डिहाइड के साथ इसका स्ट्रक्चर मैच करता है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन होती है L का मतलब होता है लीवोरोटेटरी, मतलब जो हमने पहले बात की कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको कई कंपाउंड्स लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं तो उनको लीवोरोटेटरी कहते हैं और कई राइट को रोटेट करते हैं तो उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। तो यहां पे L अमीनो एसिड का मतलब ये नहीं है कि वो सारे लीवो रोटेटरी हैं, एक्चुअली कई अमीनो एसिड्स हैं जो को हम कहते हैं उनको L अमीनो एसिड्स, बट दे आर एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
तो यहां पे एल का मतलब लीवो से नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। लेकिन सारे जो नेचर में अमीनो एसिड्स हैं वो मोस्टली एल अमीनो एसिड्स हैं। डी अमीनो एसिड्स वेरी ओकेजनली कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन में एक दो डी एलानिन वगैरह अमीनो एसिड्स हैं, और कई एंटीबायोटिक्स जो हम सीक्रेट प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उनमें कई बार डी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, साइक्लोस्पोरिन्स वगैरह। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट 99.999% आपको एल अमीनो एसिड्स ही दिखेंगे नेचर में, ओके। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो अभी हम देखते हैं जस्ट ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली देर आर फोर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड्स। वन इज नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, जो हम अभी देख रहे हैं। एक होते हैं पोलर अमीनो एसिड्स, एक है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, और लास्ट है नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। ये चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कई लोग इसको डिफरेंट कैटेगरी से भी डिटरमिन करते हैं, डिस्टिंग्विश, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, ओके। तो हम यहां से शुरू करते हैं। सो सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। अब देखेंगे यहां पे सिर्फ आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, ये सिर्फ आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। यहां पे एच है, और यहां पे एच और एच दोनों कॉमन हो गए, सो दिस इज नॉट काइरल, ओके। सो दिस इज नॉट काइरल, तो ये बेसिकली लीवर रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होगा, ग्लाइसिन, ओके। इसका थ्री लेटर कोड जो है वो जी एल वाई है, और वन लेटर कोड है जी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बेसिकली प्रिंट आउट करके रख लीजिए एंड गो थ्रू इट अ कपल ऑफ डेज, आज करके और फिर दो तीन दिन बाद, और फिर उसके एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, एंड यू विल रिमेंबर ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इट हेल्प्स यू बिकॉज, इसलिए नहीं कि आपने मार्क्स लेने हैं, इसलिए क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बायोकेमिस्ट्री की और इन जनरल बायोलॉजी की वो बढ़ेगी अगर आपको अमीनो एसिड्स का थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओके। और इसका खासकर वन लेटर और वन लेटर कोड जरूर याद रखिए, बिकॉज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इन जनरल प्रोटीन मोटिफ्स की जब हम बात करते हैं या सिग्नलिंग की बात करते हैं, तो ये मोटिफ्स में ये वन लेटर कोड्स ही यूज किए जाते हैं, ओके। सो प्लीज पे अटेंशन टू देम, ओके। सो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का मतलब क्या हुआ? दीज आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, सो दीज आर वेरी वेरी कार्बन रिच, नॉन पोलर है क्योंकि कार्बन बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है या बहुत कम होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ओके। देन सो फर्स्ट इज ग्लाइसिन, सेकंड इज एलानिन, तो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, वन लेटर कोड है इसका ए। देन वी हैव वैलीन, सो यहां पे कार्बन है एंड CH3, सो वैलीन वी। सिस्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH2SH, क्योंकि एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है प्रोटीन्स में जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और उसमें सिस्टीन पार्टिसिपेट करती है। देन वी हैव प्रोलीन, तो प्रोलीन एक्चुअली अमीनो एसिड नहीं है टेक्निकली, ये एक इमीनो एसिड है, इमीनो एसिड, ओके। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो यहां पे तीन CH2 ग्रुप्स हैं और यहां पे एक इमीनो ग्रुप बना हुआ है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है प्रोटीन स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये जो सर्कुलराइजेशन हो गई है, यहां पे जो रिंग बन गया है, इससे क्या होता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफी रिजिड हो जाता है, काफी सख्त हो जाता है, तो क्या होता है कि प्रोटीन में बेंड आ जाता है, बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बेंड हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेट प्रोटीन चाहिए फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको प्रोलीन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जहां पे बेंड्स होते हैं वहां पे प्रोलीन्स काफी कॉमन होते हैं, ओके। सिमिलरली एक्चुअली ग्लाइसिन ऑल्सो, ग्लाइसिन में जो एच है वो बड़ा छोटा सा ग्रुप है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही है, जो प्रोलीन है वो तो रिजिड है और ग्लाइसिन उल्टी तरफ है, वो फ्लेक्सिबल बहुत है, तो वो इधर उधर आप समझ सकते हैं कि डोलता बहुत है, तो वो भी नहीं चाहिए। अगर आपको प्रोटीन में थोड़ी सी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चाहिए तो ग्लाइसिन वहां पर नहीं होती है, ओके। देन वी हैव ल्यूसीन एल, तो इसका ये आर स्ट्रक्चर है, CH2CH CH3CH3, सो यू कैन रिमेंबर दिस बाय लुकिंग एट लाइक दिस, तो ये एक एल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है,
small l जिसे हम लिखते हैं, right? So CH to CH, CH3 CH3, this is leucine. और इसी को rearrange करके बनता है isoleucine. One letter code is I. Then we have methionine, और इसमें M है code. So this is also a sulfur containing amino acid, methionine. Okay. Then we have tryptophan. One letter code ये different है इसका W. Okay. So I'm not sure कि इसको कैसे आप याद कर सकते हैं. मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है कि आप ट्राई करेंगे देन यू विल विन. सो यू ट्राई एंड यू विन. तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर ट्रिप्टोफैन इज डब्ल्यू. ओके सो इट इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड. ओके देन वी हैव फिनाइल एलानिन. तो ये एलानिन ही है बेसिकली, एलानिन की तरह सी एच थ्री ही है. यहां पर एक एरोमेटिक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है तभी इसका नाम है फिनाइल एलानिन. तो ये एलानिन है लेकिन फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो फिनाइल एलानिन जो नाम है उसमें एफ आता है, एफ जैसी साउंड आती है, तो इसका वन लेटर कोड है एफ. ओके फिनाइल एलानिन. ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जब हम देखेंगे तो दैट इज एंड फिनाइल एलानिन, तीन जो है इसको फेनिल एलानिन भी कह देते हैं. तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं और ये यूवी लाइट को काफी स्ट्रांगली अब्सॉर्ब करते हैं. ओके वेरी स्ट्रांगली दे अब्सॉर्ब यूवी लाइट. ऑलराइट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन finding out the concentration of proteins. Okay. All right. Next we have five polar amino acids. तो इसमें ऐसे groups हैं जो electronegative ज़्यादा होते हैं और electrons को अपनी तरफ pull करते हैं. Okay. So for example, serine, CH2OH. यहाँ पे OH group है, काफी polar है. One letter code is S. Threonine, CH3OH, again OH group. Serine and threonine. One letter code is टी. टायरोसिन, तो यहाँ पे सी एच टू बेंजीन रिंग OH है, तो ये आप फिनाइल एलानिन को ही देख के इसमें बना सकते हो कि फिनाइल एलानिन में सी एच टू और बेंजीन रिंग था और यहाँ पे OH लग गया तो टायरोसिन बन गया. सो टायरोसिन यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दी वाई क्योंकि टी तो ऑलरेडी थ्रियोनिन में है. सो इट इज वाई. ओके इट इज वेरी अबंडेंट इन चीज एक्चुअली, और टायरोस का मतलब ही ग्रीक में चीज होता है, दैट्स वाई इट्स नेम्ड आफ्टर दैट. एस्पैराजीन, ये एक्चुअली एस्पैरागस से फर्स्ट आइसोलेट किया गया था, एस्पैरागस. ओके एस्पैराजीन, सो इट इज एन अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. सो इसका जो वन लेटर कोड है वो है एन, एस्पैराजीन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एलानिन में ले लिया है तो यहां पर एस्पैराजीन एन. एन ग्लूटामीन, ग्लूटामीन CH2, यहाँ पर चेन लेंथ लॉन्गर हो गई है. सो एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन आर बेसिकली द सेम विद जस्ट वन अनदर कार्बन एटम, सो कार्बन ग्रुप, सॉरी, राइट. सो इसका जो वन लेटर कोड है वो है क्यू. ओके सो दैट इज एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन. ओके ऑलराइट के देन वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड. सो वन इज लाइसीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो कई जगह जो लाइसिन है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी लंबा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन सी है. सो आप देखेंगे कई जगह जो लाइसिन है वो कई ग्रुप्स को अटैच करता है एंजाइम्स में और उसके थ्रू रिएक्शंस को कैटलाइज करने में हेल्प करता है. इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड. आर्जिनिन, ओके इसका जो वन लेटर कोड है वो आर है, लाइसिन का सॉरी के है, आई फॉरगॉट टू मेंशन के. ओके सो यू कैन रिमेंबर दिस दैट लाइसिन कॉजेज लाइसिस, जस्ट टू रिमेंबर, एंड लाइसिस इज बेसिकली किलिंग, राइट. सो लाइसिन किलिंग के, राइट. आर्जिनिन आर, आर्जिनिन तो आर, राइट. सो दैट्स इजी टू रिमेंबर. हिस्टिडीन इजी टू रिमेंबर एच. ओके सो यहां पे एक इमिडाजोल रिंग है और ये जो एन एच प्लस है दिस इज बेसिकली अ प्रोटोन विच इज able to you know deprotonate as well as protonate at pH 7 at the normal cytoplasmic pH. तो histidine कई जगह पे जो acid base reactions है वहां पे help करता है. Okay. And finally we have the negatively charged proteins, sorry negatively charged amino acids, aspartic acid and glutamic acid. So they are very very similar, CH2CO- and CH2CH2CO-. इनके जो वन लेटर कोड्स हैं वो है डी एंड ई.
एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड. ओके, तो इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिए. एस्पैराजीन, ग्लूटामीन. एस्पैराजीन वॉज एन, ग्लूटामीन वॉज क्यू, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड डी एंड ई. ओके, सो इफ यू गो थ्रू इट अ कपल ऑफ टाइम्स, एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली रिमेंबर. ओके, ऑल राइट. सो अमीनो एसिड्स में एक खास बात यह है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, NH3 प्लस यहां पे और COO माइनस या COOH, ये एक्चुअली दे कैन एक्ट एज अमीनो एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो अगर आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो डेफिनेशन है, जस्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो डेफिनेशन है, एसिड्स या बेसिस की, तो एसिड क्या चीज है? एसिड इज समथिंग विच कैन डोनेट प्रोटॉन्स और कैन रिलीज प्रोटॉन्स. और जो बेस है वो क्या है? इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स. दैट इज द डेफिनेशन. सो अमीनो एसिड्स आर वेरी वेरी यूनिक बिकॉज दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एज बेस और वो प्रोटॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं एज एन एसिड. ओके, सो इसमें हेल्प क्या करता है? बेसिकली जो पीएच 7 है, जो नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक पीएच है, वहां पे इनका नेट चार्ज जीरो होता है. ये एनएच थ्री प्लस फॉर्म में होते हैं यहां पे जो अमीनो ग्रुप है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सीओ माइनस फॉर्म में है. तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको हायर पीएच में लेके जाएं, मतलब और ओएच माइनस ऐड करें, सो व्हाट विल हैपन, दिस अमीनो ग्रुप विल लूज इट्स प्रोटॉन एंड इट विल बिकम NH2. सो इट इज एक्टिंग एज एन एसिड. और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाएं, अगर आप पीएच को लो करें, इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड इट विल बिकम कन्वर्टेड टू NH3+. सो इट कैन एक्ट एज एन एसिड एंड बेस. सिमिलरली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सीओ माइनस, अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल और लोअर पीएच में लेके जाएं, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये COOH बन जाता है. ओके, और अगर आप पीएच रेज करें तो ये प्रोटॉन लूज कर देता है. यूजुअली क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सबसे पहले प्रोटॉन लूज करता है और फिर अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटॉन लूज करता है. सो मोस्ट एसिडिक ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, one important distinction that I want to mention here is that below the neutral pH where this net charge is zero, agar aap isse niche jaye, below that the net charge of the amino acid is plus one. Okay, it is a positively charged amino acid because of this amino group. Aur agar pH 7 se upar jaye to the charge starts to become negative. Okay, so okay, that's the thing that you need to remember. Okay, very very important regarding the acid base properties of the amino acid. So agar hum iski titration dekhen, jaise humne pehle lecture mein discuss kiya tha, pehle I think second ya third lecture mein, Henderson-Hasselbalch equation of titration of a weak acid, jaise acetic acid ki discuss ki thi, to yahan pe agar hum ek simple amino acid ki discuss kare, aur yahan pe basically we are talking about a simple amino acid glycine. So, ये CH2 है, right? NH3 plus COOH, तो इट इज ग्लाइसिन, राइट, CH एंड H, राइट. सो व्हाट विल हैपन इज इफ वी स्टार्ट विद वेरी लो पीएच, तो यहां पे पीएच है वाई स्केल पे, वाई एक्सिस पे, और ये है हम बेस ऐड कर रहे हैं यहां पे. सो एट वेरी वेरी लो पीएच व्हाट विल हैपन इज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको हम कहते हैं फुली प्रोटोनेटेड स्टेट. फुली प्रोटोनेटेड का मतलब यह है कि जितने प्रोटॉन्स ये एक्सेप्ट कर सकता है इसने किए हुए हैं अभी. ओके, फुली प्रोटोनेटेड स्टेट. तो जैसे जैसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, व्हाट विल हैपन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप विल लूज इट्स प्रोटॉन, इट विल कंबाइन विद OH माइनस एंड फॉर्म वॉटर. So it will lose its proton here.
So it will keep losing its proton, and at the midpoint, which is called pK1, what will happen is 50% of the amino acid will be in the fully protonated form, and 50% of the amino acid will be in this carboxylic acid has lost its proton, this form. Okay, so ye pK1 uska midpoint hai. Aur base hum agar add karenge to ye pura ka pura is direction mein aa jayega. To ye bilkul khatam ho jayega aur is direction mein aa jayega. Yahan pe ye fully 100% ye hi reh jayega hamare paas. Okay, fir hum aur base add karenge, aur agar base add karenge to अब ये अमीनो ग्रुप जो है ये भी जो है एसिड की तरह काम करेगा और इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स प्रोटॉन. इसका जब मिड पॉइंट आएगा, राइट, सो व्हेन इट इज, लेट मी जस्ट रिफर बैक अ लिटिल बिट, कि ये जो पूरा प्रोटॉन जो है, जब पूरा फुली प्रोटोनेटेड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे, सो इट विल बी इन दी ज्विटर आयन फॉर्म. Okay, it will be in the Zwitter ion form because it contains both the positive as well as negative charge. This point where the pH is at such a point where the amino acid has no charge, no net charge. Pehle to ek positive charge tha because of NH3+. Yahan pe no net charge hai, to usko hum kehte hain isoelectric point. Isoelectric point, और इसको हम PI से भी donate करते हैं. Okay, PI से भी denote करते हैं इसको. तो ये PI यहाँ पे 5.97 है in case of glycine. तो different amino acids का PI जो है वो different है. उसके बाद हम titration और continue करते हैं. तो now amino group will start losing its proton, and at the half stage 50% will be in this form and 50% will be in this form, and that is called the pK2. PK2 में ये 50% लूज हो गया है, एंड देन वी कीप एडिंग दी बेस एंड इट विल फाइनली बी 100% इन दिस फॉर्म, टोटली नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एन अमीनो एसिड. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू विल बी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. यहां पर मैं जस्ट मैंशन करना चाहूंगा कि जो अमीनो एसिड ऐसे हैं जहां पे आयोनाइजेबल आर ग्रुप्स हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, टायरोसिन, सिस्टीन, यहां पे ऐसे ग्रुप्स हैं जो खुद भी एसिड की तरह काम कर सकते हैं. सो व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल हैव अनदर पीके वैल्यू, क्योंकि उनका भी प्रोटॉन जो है वो लूज होगा. डिपेंड करता है कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है. तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक एसिडिक अमीनो एसिड लिया हुआ है, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, CH2CH2COOH. तो फर्स्ट जो फर्स्ट जो प्रोटॉन है वो COOH से लूज हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है. ओके, सो दैट इज PK1. फिर उसके बाद जो R ग्रुप का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो ये PKR कह देते हैं इसको. और फिर अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो लूज कर रहा है प्रोटॉन, सो इसको हम PK2 कह देते हैं. ओके, और डिपेंडिंग अपॉन की जो ज्विटर आयन फॉर्म है वो कहां पे है. ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो ओवरऑल इसका चार्ज +1 है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज -1 है, और इसका चार्ज -2 है. सो यूजुअली व्हाट वी डू इज वी टेक द एवरेज ऑफ द PK1 एंड दी अदर PKR, और क्योंकि यहां पे सेंटर में ज्विटरायन जीरो चार्ज है, तो यहां इसको हम एवरेज करके, तो 2.19 प्लस 4.25, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव अस 3.22. ओके, दैट विल बी दी PI. ओके, अगर हम जस्ट रेफर बैक करें पुरानी स्लाइड पे, तो दिस PI कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ 2.34 एंड 9.60. ओके, सो 2.34 प्लस 9.60 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखेंगे कि PI यहीं से डिराइव हो जाता है. तो अगर कोई आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है R ग्रुप,
तो बड़ा सिंपल है, पीके वन पीके टू उसकी दोनों एवरेज ले लीजिए, दैट विल गिव यू पी आई। लेकिन अगर नहीं है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि वो टाइट्रेशन कैसे हो रही है और उसमें ज्विटर आयन फॉर्म कहां पे है। ज्विटर आयन फॉर्म जहां पे है उसके एक पहले और एक बाद का जो पीके है वैल्यूज है, चाहे वो पीके वन और पीके आर है, चाहे वो पीके वन और पीके टू है, जो भी है उसके हिसाब से उनको दोनों की एवरेज लेके हम पी आई डिटर्मिन करते हैं। ओके, सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पीके ए वैल्यूज एंड पीके आर वैल्यूज। जो पीके वन मोस्ट अमीनो एसिड्स का होता है वो 1.8 से लेके 2.4 होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसकी वजह से होता है। पीके टू जो है वो काफी हाई रेंज में होता है, 8.8 से लेके 11 की रेंज में होता है रफली, राइट, यू कैन चेक दी बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, आपको देखेंगे आप इसी रेंज में होते हैं मोस्टली। सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर टू नो कि कहां पे वो आयनाइज्ड फॉर्म में है और कहां पे नहीं है। और बाकी जो है वो पीके आर वैल्यूज हैं। तो ये सारे अमीनो एसिड्स जो हैं, ये 7 अमीनो एसिड्स हैं जो आयनाइजेबल आर ग्रुप्स वाले हैं। तो एस्पार्टेट, इसका पीके आर जो है 3.65, ग्लूटामेट 4.25, हिस्टिडीन पीके आर 6, सिस्टीन 8.18, टायरोसिन 10.07 एंड सो ऑन। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जरूर एक बार गो थ्रू करिए एंड ट्राई टू रिमेंबर एज मेनी पीके ए वैल्यूज एज पॉसिबल, स्पेशली फॉर दीज आयनाइजेबल आर ग्रुप्स। इट विल हेल्प इन योर बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड बायोकेमिकल मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, और वैसे भी ये नेट में काफी कॉमन क्वेश्चन है इसका। ओके, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर एंड नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट डिस्कस the formation of a polypeptide। तो amino acids are basically the monomers, वो basically एक मन का है, माला का, जो माला है वो basically that is the complete protein। तो ये माला बनती कैसे है? So ये ribosome बनाते हैं body में, हमारे cells में, लेकिन जो essential reaction है वो एक condensation reaction है जिसमें दो amino acids जो हैं, जैसे यहाँ पे एक amino acid हो गया, ये दूसरा amino acid हो गया, they combine और with the loss of water molecules they form a bond which is called the peptide bond, CONH, and we will discuss very very great detail। इसकी कई interesting properties हैं, इसमें कई जो है वो protein structure के बारे में इसका कई जो है इसकी knowledge से help मिलती है हमें, alpha helix, beta structures, you must have heard, तो we will discuss them in great detail in later lectures, but today's lecture was just based on the overview of amino acids and proteins, okay? So, आप ये देख सकते हैं कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे होगा और अमीनो एसिड ग्रुप यहां पे होगा। अब अगर यहां पे कोई अमीनो एसिड जुड़ना चाहे या यहां पे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, राइट? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर अमीनो एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप जो नेक्स्ट अमीनो एसिड का है वो यहां पे आ जाएगा। अगर ये अमीनो ग्रुप है तो यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और उस अमीनो एसिड का यहां पे अमीनो ग्रुप होगा। सो व्हाट विल हैपन इज कि However you expand the chain, जैसे भी आप इसको expand करेंगे, जितनी लंबी chain बनाएंगे, एक तरफ amino group होगा और दूसरी तरफ carboxyl group होगा हमेशा। आप जितने मर्जी amino acid का peptide बना के देख लीजिए, this will always be true। तो इसलिए हम amino acids का जो ये जो पूरा peptide बन रहा है, protein बन रहा है, उसमें हम हमेशा कहते हैं जैसे DNA में 5' 3' end होता है, तो हम उसको अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के लिए हम एक एन टर्मिनल एंड कह देते हैं और एक सी टर्मिनल एंड कह देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कि जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। तो अगर आप बायोलॉजिकल डेटाबेसिस में जाएं, वहां पे आप सीक्वेंस इंफॉर्मेशन डाउनलोड करें किसी प्रोटीन की, इट इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। ओके, एंड दैट इज हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑल्सो इन द राइबोसोम। ऑलराइट, एंड लास्टली वी हैव द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अगर हम प्रोटीन्स को नॉर्मली बनाएं जैसे सेल में बनते हैं, तो राइबोसोम जब बनाता है इट इज जस्ट वन अमीनो एसिड आफ्टर अनदर, बट एज सून एज इट इज फॉर्म्ड तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसमें काफी रेगुलर जो है स्ट्रक्चरल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि उसकी कॉम्बिनेशन से इसमें अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट्स हैं, सिमिलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, उससे कंप्लीट थ्री डायमेंशनल एक पेप्टाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और कई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं वो एक
जो है चेन से नहीं बने होते हैं, वो कई प्रोटीन चेन्स को मिला के बने होते हैं. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बिग एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस दैट वी हैव, दे आर मेड ऑफ यू नो 10, 15, 20, 40 डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स. तो उन केसेस में हम उनको कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स हैं, राइट. सो फोर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कमिंग टुगेदर. सो हीमोग्लोबिन हैज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. लेकिन अगर कोई प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लियस हमारे कॉमन पेंक्रियाज में सिक्रीट होता है. अगर हम आरएनए खाते हैं, जो हम नॉर्मली डाइट में होता ही है, तो आरएनए को डिग्रेड करने में हेल्प करता है. इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल चेन. तो उस केस में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट विल ओनली बी टर्शियरी स्ट्रक्चर. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, सो आई होप टुडेज लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद विटामिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट topic. So I will see you then. Till then, take care. Bye-bye.